चलिए आज चलते हैं साकेत। साकेत में चलते हैं किसी मॉल में। एक्चुअली हम लोग अक्सर एक ही मॉल जाते थे, तो अब मैंने सोचा कि आज थोड़ा चेंज हो जाए। तो चेंज के लिए अपन जा रहे हैं साकेत में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल। बहुत अच्छा सा मॉल है, देखते हैं कैसा है, जाकर देखेंगे। और ये बेबी के साथ हमारा पहला ऐसा ट्रेवल है जहाँ बेबी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली है अपने देखिए नए स्ट्रॉलर में। तो स्ट्रॉलर में लेके जा रहे हैं आज, पकड़ने का कोई झंझट नहीं है। बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होता है इसलिए तो स्ट्रॉलर लेके हम दोनों चल पड़े हैं बेबी को लेके घूमने के लिए। आज एक्चुअली बेबी का था वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन कराने के बाद हम लोग घूमने निकले हैं। सोचा था कहीं चलेंगे, इधर उधर देखेंगे, बट फिर ध्यान आया कि अरे किसी मॉल चलते हैं, किसी नए वाले मॉल में। तो यहाँ समझ में आया, गूगल में सर्च किया तो सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल मिला इसको और क्या यहाँ लेफ्ट जा में रहे ही हैं। जाना बहुत पड़ेगा ना बड़ा मुझे ना मॉल है मैं और बहुत अच्छा है, वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत हाँ ना बड़े मुझे बड़े बहुत कुछ ब्रांड्स खाना है। हैं। और हम लोग एक्चुअली यहाँ पे आते हैं फूड कोर्ट के लिए। हम लोग एक्चुअली हमेशा खाने के लिए ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। और बेबी के साथ बड़ा मुश्किल होता है हमें सरवाइव करना, उसे लेकर जाना, क्योंकि वो ना अनईजी रहती है इधर उधर। तो अच्छा आज बेबी खुश है क्योंकि वो आराम से स्ट्रॉलर में लेटी है, उसको पीछे से स्ट्रॉलर को थोड़ा ढीला कर दिया, आराम से लेट के जा रही है और रास्ते में सो भी गई थी। और जाते जाते देखा यहाँ पे सजावट, लवली देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर सजावट है। और जो लोग भी दिल्ली के हैं ना, प्लीज है, मैं जाना, समझ यहाँ गया। बहुत अच्छा मॉल ये है, वाला है, मस्त बहुत वाला महंगा मॉल वाला है। है। काफ़ी दिनों के बाद मेरी ये वीडियो आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना और कमेंट फूड करके कोर्ट ज़रूर चलो कुछ जाना, खाते हैं, खाने के लिए क्योंकि तो अपन आए हैं। कमेंटिंग करते हो ना यार, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है अपन को कि आगे और भी वीडियोस हम लोग लेकर आएं। और आप लोग मुझे बताना कि आप नेक्स्ट कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि आजकल हम लोगों को ट्रैवल का भूत सवार हो गया है। अब क्या है ना, अब हम लोग सोच समझ के ट्रैवल के लिए निकलते हैं, इधर उधर जब घूमने के लिए जाते हैं बहुत सोचना पड़ता है। और 1 घंटा तो हमें पैकिंग में लगता है, भले ही हम 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए कहीं जाएं, क्योंकि छोटा बच्चा साथ में रहता है इसलिए उसका डायपर, उसके कंबल, उसको ठंडा ना लगे, और उसको कहीं भूख लग गई तो उसकी चम्मच और उसका छोटा सा बाउल, उसको पानी पिलाने के लिए बॉटल, बहुत कुछ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अब वो छोटा मोटा कुछ खाने लगी है। अभी हम लोग उसे स्लरी दे रहे हैं तो, या फिर कुछ भी थोड़ा सा हाथ में मैश करके मैं दे देती हूँ उसे। 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं बेबी को और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये मॉल। चले जा रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉलर से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, हाथ थकना बंद हो गए हैं और मस्ती में जा रहे हैं। इतनी मस्त सजावट, मैं तो सजावट ही देखती रही। और बहुत कम बाहर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है जब बाहर निकल रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं। इस तरीके से ये मॉल है, काफ़ी बड़ा मॉल है और बहुत सारे फ्लोर्स हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे है, एक एरिया दे रखा है इन लोगों ने वर्किंग पीपल के लिए, जो लोग भी काम करते हैं ऑफिस का काम यहाँ से करते हैं, उन लोगों के लिए भी पेड भी है, अनपेड भी है। अनपेड में आप लोग बैठ सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो और अपना काम लेके बैठ जाओ किसी भी टेबल पे। पहुँच गए हैं अपन फूड कोर्ट और यहाँ पे भी बहुत कुछ है, वाव मोमोज है, पंजाब ग्रिल है और बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे। तो मैंने सिजलर के टाइप का कुछ मंगाया बट सिजलिंग में नहीं मिला मंगाया है, क्योंकि मैंने सोचा कि ना बच्चे को कहीं आँख में ना लगे, होता है ना हवा से धुआं से बच्चे की आँख में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तो मैंने ले लिया। इसमें आया एक फ्रेंच फ्राई और ये है नूडल्स, ये है चिली चिकन, उसके साथ बर्गर लिया है एक, KFC का चिज्जा करके कुछ आया है ना यहाँ पे, चिकन है उसके ऊपर से चीज़ है और थोड़ा सा सैलड है, बहुत ज़्यादा यमी है, ट्राई करना कभी। बस हो गया, फिर संचा के टी स्टोर पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं चाय किस किस वैरायटी की है। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे और बहुत खूबसूरत सा मॉल है यार, सजावट देख के तो मैं दंग रह गई, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स पैक्स हैं।
और बेबी यहाँ पे सो चुकी है, बेबी को नींद आ गई है। अब हम लोग आ गए हैं मदर केयर में। मदर केयर में ना बेबी के लिए थोड़ा बहुत कुछ मुझे कपड़ा लेने का मन है, क्योंकि अब आ गए हैं समर्स, और बेबी के पास समर्स के कपड़े नहीं है क्योंकि उसकी हाइट बढ़ चुकी है, और तो उसके हाइट के अनुसार मुझे कपड़े लेने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कपड़े, और ये वाला मैंने टीथर ले लिया है, बहुत ज़्यादा उसको दांत में उसको गम्स में इचिंग होने लगी है, शायद उसकी टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, इसलिए एक टीथर लिया है। ये ना वुड का है, बहुत अच्छा क्वालिटी का वुड होता है जो भोपाल में मिलता है, उसका टीथर है, और ऊपर से एक प्यारा सा टेडी बियर काइंड ऑफ है। बस वहाँ से ये लिया, कुछ छोटे मोटे कपड़े लिए, एक टेडी बियर लिया, और अब हम लोग चल पड़े हैं कॉफ़ी पीने के लिए। पहले सलून में चलने की सोची कि सलून में देख के आऊँ वो अवेलेबल है कि नहीं है फिश मसाज, तो वहाँ पे फिश ना जो फुट मसाज करती है ना, यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, कहीं और देखूँगी। तो अब कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं नए किसी अच्छे से स्टोर में। तो यहाँ पे प्रीत का स्टोर मुझे दिख गया है, बहुत अच्छा है, यहाँ से कॉफ़ी ले लेते हैं और पीते हैं, मस्ती करते हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा स्पेंड हुआ है, बहुत अच्छा लगा है बच्चे के साथ, कि बहुत ही अच्छा सा ट्रेवल हुआ है हमारा, और बेबी ने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया क्योंकि उसके पास स्ट्रॉलर था, वो मस्त सो के गई है, नींद आई है तो सो गई है, इसीलिए हमारी आउटिंग बहुत अच्छी हुई है क्योंकि बेबी ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया और बेबी खुश है। इसी तरीके से अब आगे भी हम लोग आउटिंग करते रहेंगे और लंबा ट्रेवल भी करेंगे। चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग जाती है, बार बार बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं आजकल, और वेट कंट्रोल करेंगे, 6 महीने और रुक जाते हैं, उसके बाद वेट पे मैं ध्यान दूंगी, अभी हल्का हल्का वेट रिड्यूस होने लगा है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम बाद आप लोगों के सामने आने में, और आगे भी इस तरह से मुझे प्यार देते रहना। तब तक के लिए गुड बाय।